हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू आवर एग्जाम। आई एम अवनीश शर्मा एंड टुडे वी डिस्कस द वेरियस क्वेश्चन ऑफ सोलर मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग द प्रीवियस ईयर एसएससी जेई क्वेश्चन। और ये 2004 से लेके 2016 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज सोलर मैकेनिक्स के लिए हमने पूरे कोर्स स्टार्ट किया है और इसमें हम सोलर मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो भी टॉपिक वाइज आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके और आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ जा रही है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्टली गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में आपको पता चलता रहे और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल एंड क्लासिफिकेशन सोइल के एक टॉपिक बनाया हमने, उसमें जितने भी क्वेश्चन 2004 से लेकर 2016 तक जितने भी आए हैं और उन सबको डिस्कस किया है, उन सबको डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है इफ द सोइल सैंपल इज हैविंग अ पोरोसिटी 50%, तो जो पोरोसिटी है उसको हम देखते हैं, जो पोरोसिटी है उसको हम लिखते हैं एन से, ये देखिए 50%। ओके, तो इस 50% को हम 0.50 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम लिखते हैं एस से। ठीक है, वो दे रखा है 90%। ओके, देन इट्स परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड को हम एन ए से लिखते हैं और उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। दैट मींस जब भी परसेंटेज एयर वॉइड की किसी परसेंटेज की बात की जाए तो हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड देंगे, तभी तो हम परसेंटेज निकालेंगे। तो हमने टोटल वॉल्यूम से डिवाइड दिया है। नाउ हम देखते हैं कैसे निकालते हैं परसेंटेज को। एक होता है एयर कंटेंट, फर्स्टली वी डिस्कस द एयर कंटेंट, जैसे वाटर कंटेंट होता है ऐसे एयर कंटेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो जितने भी वॉल्यूम ऑफ एयर है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में उनको हम लिखते हैं वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट। ओके, ठीक है। अब आप इन दोनों को ये इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को देखोगे तो इससे एक रिलेशन आएगा कि जो एम ए है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है वो एयर कंटेंट इनटू एन, एन क्या है पोरोसिटी। ठीक है, क्योंकि जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है, पोरोसिटी का होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को यहां पे ईटा इनटू वी लिख दीजिए इस वाले में, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स के लिए हमें एयर कंटेंट चाहिए, पोरोसिटी हमारे पास है ही पहले 0.50, तो एयर कंटेंट कैसे निकलेगा। देखो जब ये होता है फेज डायग्राम, ठीक है, इसमें यहां पे सॉलिड होता है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड, इसको हम बोलते हैं वाटर होगा और उसके ऊपर होगी एयर, मैं इसको यहां मान देता हूं, उसके बाद होगी एयर, इनको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यदि इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में जितने भी वॉइड्स हैं उन सब में एयर भर जाए, वाटर ना हो, ठीक है, तो फिर उसमें जो सैचुरेशन होगा, जो सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यदि उसमें सारे में एयर भर जाए तो उसमें वाटर तो रहेगा नहीं फिर, तो दैट मींस कि उसमें जो सैचुरेशन है वो जीरो है। तो इन हम एक रिलेशन आ सकते हैं इसमें कि जो सैचुरेशन होता है वो होता है 1 माइनस की एयर कंटेंट। ठीक है, या फिर एयर कंटेंट हो गया, एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1 माइनस की एस। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एयर कंटेंट भी है ईटा भी है, एयर कंटेंट का एयर कंटेंट कितना दे रखा है, सैचुरेशन दे रखा है 90%, तो एयर कंटेंट हो जाएगा 10%, तो 0.10 हो जाएगा एयर कंटेंट। ठीक है, इनटू जो पॉजिटिव रखे वो दे रखे 0.50। ठीक है,
तो 0.10 है, 0.50 है, तो दोनों, अब इन दोनों को बना के क्या बनेगा, परसेंटेज ऑफ एयर। अब इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 5%। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज समझ में आई कि पोरोसिटी क्या होती है और फिर एक आई डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है और परसेंटेज ऑफ एयर वो कैसे लिखेंगे। तो रिमेम्बर आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, तो आप इनको जब भी क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो ए है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर टू, द कॉमनली यूज मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट अ फील्ड एम्बैकमेंट। देखो कह रहा है एम्बैकमेंट बनाया जाता है, ऐसा होता है एम्बैकमेंट। ठीक है, फिर इसमें वाटर यहाँ पे सोल होता है सारे में, जो ये हम अर्थन डैम बना रहे हैं या फिर एम्बैकमेंट बना रहे हैं उसके अक्रॉस, तो क्या होता है इसका वाटर कंटेंट, इसमें जो वाटर कंटेंट होता है उसका डिटरमिनेशन करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक होता है गामा डी, होता है ड्राई डेंसिटी देखते हैं, तो उससे क्या होता है यदि उसकी ड्राई डेंसिटी ज्यादा है तो उसका वाटर कंटेंट को देखना पड़ेगा हमें, तो उसकी ड्राई डेंसिटी को अचीव कर सकते हैं जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बने रहे, इम्पैक्टमेंट की स्टेबिलिटी जरूरी है, तो उसके लिए हम उसका गामा डी निकालते हैं, उसके लिए वाटर कंटेंट का डिटरमिनेशन करते हैं। फर्स्ट थिंग उसने कहा है कि द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट अ फील्ड इम्पैक्टमेंट। फील्ड क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि क्वेश्चन पूछा गया तो कल को कहेगा कि लेबोरेटरी में बताओ, लैब में बताओ कि लैब में कौन सा होता है और आप ला के आओगे फील्ड का, ये बहुत गलती होती है। तो क्वेश्चन देख लो कि फील्ड का है लैब का है। फर्स्ट क्वेश्चन, ओवन ड्राइंग मेथड, बी सैंड बाथ मेथड, मेथड सी एल्कोहल मेथड, डी कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो आंसर डी इज करेक्ट, हम बताते हैं कैसे होगा आंसर डी करेक्ट। देखो जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है ना वो होता है 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट में ये आपको वाटर कंटेंट का इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, 5 से 7 मिनट लगती है इसको, और ये सारे फील्ड मेथड है जितने लिखे हुए हैं ना सारे के सारे फील्ड, ओवन ड्राइंग मेथड, और ये तो ओवन में करते हैं, ये तो ये तो ये अलग है, ये फील्ड में नहीं होता क्योंकि तो सैंड बात में सैंड उसमें करेंगे, फील्ड में करेंगे, ओवन के लिए हम लानी पड़ेगी, फिर ओवन में जाकर रखना पड़ेगा सोइल को, सो ये एक लैब मेथड है। ठीक है, तो इसके लिए जो वाटर कंटेंट का डिटरमिनेशन होता है वो 5 to 7 मिनट लेता है। तो जो ओवन ड्राइंग है, ओवन ड्राइंग के लिए हमें 24 आवर्स के लिए रखना पड़ता है ओवन के अंदर सोइल को, जिससे कि उसका सारा वाटर कंटेंट निकल जाए और वो ड्राई हो जाए, फिर पैनल से माइनस कर देंगे उसको तो उसका ओवन ड्राइंग निकल जाएगा कि कितना वेट उसका ड्राई हो गया। सैंड जो बात मेथड है वो 20 to 60 मिनट लेता है, 20 to 60 मिनट। ठीक है, 20 to 60 मिनट लेता है। और जो अल्कोहल मेथड है इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कोई, और ये तक इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आपको ये ना कि ओवन टाइम 24 आवर्स लेता है, और जो सैंड बाथ मेथड है वो 20 to 60 मिनट लेता है, और जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है वो 5 to 7 मिनट लेता है। और एक और है पाइकनोमीटर मेथड, जिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कौन सा है, पाइकनोमीटर मेथड। तो जो पाइकनोमीटर मेथड है उससे वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट और प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का डिटरमिनेशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो पाइकनोमीटर मेथड है वो किसका डिटरमिनेशन करता है, तो वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का मेजरमेंट हो सकता है उससे। और जो ये टाइम पीरियड लेता है पाइकनोमीटर मेथड, जो टाइम पीरियड होता है उसका होता है 10 to 20 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स। सो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सा मेथड होगा, सबसे जो कम टाइम लेगा वो कैल्शियम कार्बाइड लेगा, उसके बाद पाइकनोमीटर लेगा क्योंकि वो 10 to 20 मिनट्स लेगा, उसके बाद सैंड बाथ लेगा। सो ये मैंने आपको सबके बारे में बता दिया कौन कौन सा कितना लेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इनसे ही रिलेटेड आएगा, तो आप सबका निर्धारण कर सकते हैं कौन सबसे मिनिमम कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा ले रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर टू है उसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो जो टफनेस इंडेक्स है उसको हम करते हैं आईटी से डिनोट करते हैं, वो होता है आईपी अपॉन आईएफ। तो जो आईपी होता है
वो होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी अपॉन द आई एफ. आई एफ को हम फ्लो इंडेक्स निकालते हैं उसे, ये डिपेंड करता है उसकी जो लिक्विड लिमिट है उस पर डिपेंड करता है फ्लो इंडेक्स. ठीक है, तो जो आई पी है वो डब्ल्यू लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट. तो टफनेस मतलब होता है कितना टफ है सोइल, सोइल की जो स्टिफनेस है वो बताता है टफनेस. तो जो उसका फॉर्म होता है वो होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी. डब्ल्यू एल है वो लिक्विड लिमिट है, डब्ल्यू पी है वो प्लास्टिक लिमिट है. ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, नहीं गलत है, क्योंकि जो रेशो होता है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है, तो आप ये कर वो सकता है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो क्या होता है, तो डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू पी होता है. ठीक है, और डब्ल्यू एल क्या होता है, लिक्विड लिमिट होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है. मैं बताऊंगा आपको पूरा एक एट्रीब्यूट चार्ट होता है इस करके, मैं बताऊंगा उसमें लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है जब क्वेश्चन आएगा. सो अब इसका अभी आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये जो टफनेस इंडेक्स है उसका जो आंसर है वो प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर. अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग द सोइल इज सेड टू बी द मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिक इंडेक्स इज. ठीक है, तो जो ये प्लास्टिसिटी मीडियम प्लास्टिक है या प्लास्टिक है ये डिपेंड करता है पीआई पे. पीआई क्या होता है, मैंने आज आपको बताया कि पीआई क्या होता है, वो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स. उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी. डब्ल्यू एल होता है वो होता है लिक्विड लिमिट, डब्ल्यू पी होता है वो होता है प्लास्टिक लिमिट. सो मैं आपको एक टेबल देता हूं, अगर मैं लिखता हूं आई पी और मैं यहां पर लिखता हूं कंसिस्टेंसी, ये मीडियम प्लास्टिक है या प्लास्टिक है, कितना कंसिस्टेंट है. ठीक है, वो कंसिस्टेंसी है. यदि आई पी की वैल्यू जीरो कर दू मैं, जीरो बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं है, तो वो होगा नॉन प्लास्टिक, उसको हम बोलेंगे नॉन प्लास्टिक. ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉन प्लास्टिक. मैंने पूरी टेबल बनाई है, देखो आई पी लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे कंसिस्टेंसी. यदि आई पी जीरो है तो हम उसको बोलेंगे नॉन प्लास्टिक, यदि वो लेस देन सेवन है तो हम बोलेंगे लो प्लास्टिक, इफ सेवन टू सेवनटीन है उसको हम बोलेंगे मीडियम प्लास्टिक, इफ द ग्रेटर देन सेवनटीन उसको बोलेंगे हाईली प्लास्टिक. तो ये टेबल प्लीज आप रिमेम्बर रखिए, क्योंकि इसके बिना टेबल के कभी आपसे पूछेगा कि नॉन प्लास्टिक क्या होगा, कभी पूछेगा कि लो प्लास्टिक, कभी पूछेगा मीडियम प्लास्टिक. तो आप इस टेबल को याद कर लीजिए, बिल्कुल बहुत सिंपल है. सेवन उसमें टेन एंड की 17 और फिर ग्रेन 17. ठीक है, तो जब यदि अब एक क्वेश्चन अभी इसका आंसर देखते हैं, मीडियम प्लास्टिक पूछा तो मीडियम प्लास्टिक के लिए 7 to 17. ठीक है, तो 7 to 17 जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7 to 17 होता है उसको हम बोलेंगे मीडियम प्लास्टिक. और कभी पूछता है कि आईपी वैल्यू जीरो है तो वो क्वेश्चन कौन सी होगी. देखो आईपी वैल्यू जीरो कर दिया तो मैंने जो डब्ल्यू एल है उसको मैंने डब्ल्यू पी के बराबर कर दिया, मतलब उसकी लिक्विड लिमिट भी वही है, प्लास्टिक लिमिट भी वही है. तो ऐसा सिर्फ सैंड में होता है. सैंड का केस ही एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सैंड ही है, कि उसकी जो प्लास्टिसिटी होती है वो बहुत जीरो होती है. ठीक है, यदि आप सोइल को उठा, यदि आप सैंड को उठाओगे और उसको उठा के उठाओगे तो उसका एक पूरा पूरा एग्रीगेट नहीं आएगा, वो छूट जाएगा, क्योंकि तो उसमें वाटर कंटेंट की रिटेंटिविटी है वो बहुत ही कम होती है, सो उसकी प्लास्टिसिटी भी कम होगी. ओके, इफ ए सोइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 65%, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 30%. ठीक है, एंड द सिंगल लिमिट इज 25% एंड इट्स नेचुरल मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट इज 45%, द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सोइल. ठीक है, तो डब्ल्यू एल दे रखा है 65, डब्ल्यू पी 30%, डब्ल्यू एन 45%. देखो जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है ना उसका फॉर्मूला मत रिवाइज करो, आप याद में रखो, आप एक चीज याद रखो वो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स. कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है कि यदि हम एटरबर्ग लिमिट के चार्ट से देखें तो चार्ट होता है, यहाँ पे होता है कि यहाँ पे सोलिड है, फिर सेमी सोलिड बनाओ, फिर वो प्लास्टिक हुआ सॉइल, फिर वो लिक्विड चला गया. तो जो कंसिस्टेंसी बताती है कि वो होता बताती है कि सोइल सोलिड स्टेट की तरफ जा रहा है. ठीक है, सोलिड स्टेट की तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, मतलब कितना स्टिफ हो रहा है सोइल. यदि वो पूछता है लिक्विडिटी इंडेक्स, तो लिक्विडिटी मतलब लिक्विड लिमिट डिपेंड करेगा कि वाटर जब वाटर ज्यादा हो जाएगा सोइल के अंदर, तो बताएगा कि वाटर जो सोइल है वो कितना लिक्विड बन रहा है, कितनी लिक्विड बनने की टेंडेंसी है सोइल के अंदर, तो वो तो बताएगा लिक्विडिटी इंडेक्स. तो इन दोनों में रिलेशन होता है, वो होता है कि जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है वो 1 माइनस होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, या हम ऐसे कह सकते हैं जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है वो 1 माइनस के आईसी होता है. ओके,
तो अब आपको सब दिया हुआ है, डब्ल्यू एल दिया हुआ है कितना 0.65, 0.65 एंड डब्ल्यू एन दिया हुआ है 0.45, ठीक है, और डब्ल्यू एल दिया हुआ है 0.65 माइनस डब्ल्यू पी दिया हुआ है 0.30। आपने एक बात गौर की, जो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी है वो क्या है, वो आई पी है, ठीक है। तो आप आई पी का फॉर्म कर ले सकते हैं, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एन अपॉन आई पी। तो इससे जो आई सी आएगा वो आएगा 0.5714, और यदि आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वहां पे लिक्विडिटी इंडेक्स आ जाएगा, तो 1 माइनस का 0.5714। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो आएगा 0.42 कुछ आएगा, 428, और इन्होंने जो दिया हुआ है वो 1.5 1.25 है, तो इनसे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो जो आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। ओके, सो जो 2004 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने सारे पूरे कर दिए हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल एंड क्लासिफिकेशन सोइल से आए हुए हैं, पर्टिकुलर जिस टॉपिक से आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नाउ 2005 में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वॉइड रेशियो ऑफ सोइल इज 0.9, वॉइड रेशियो किसे नोट करते हैं, ई से, वो दिया हुआ 0.9, ठीक है। पूछा है पोरोसिटी शैल बी, तो पोरोसिटी को करते हैं एन से, जो पोरोसिटी होती है वो होती है ई अपॉन 1+। तो यहां पे आप एक बात गो करिए कि जो पोरोसिटी होती है उसकी जो लिमिट होती है वो 0 to 100% होती है, कि पोरोसिटी तो 100% होगी, या फिर इसको हम 1 कह सकते हैं परसेंटेज में ना ले तो, ठीक है। तो ये इसके बीच में ही होती है पोरोसिटी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है पोरोसिटी, क्योंकि तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम तो हमेशा ज्यादा ही होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो इसलिए जो पोरोसिटी होती है वो 1 से कम ही होती है, ठीक है। तो यहां पे कंसर्न ये होता है कि बच्चे ये कर देते हैं कि ईटा इक्वल्स टू ई अपॉन 1 माइनस की ई कर देते हैं, ठीक है, और ई कर देते हैं ईटा अपॉन 1 माइनस की ईटा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है हम, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम 1 प्लस नीचे वाले को बड़ा कर देंगे तो अपना आप ही एन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हम क्या दिया हुआ, ई दिया हुआ, ई हो गया 0.9, और जो एन दिया हुआ है वो एन हमें निकालना है, तो ई अपॉन 1 प्लस ई करेंगे, तो ई क्या दिया 0.9 अपॉन 1.9, सो आंसर इज बी इज करेक्ट, इसका आंसर है 0.47। सो आपको समझ में आया क्या होता है, और जो ई होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पोरोसिटी विद रिलेशनशिप, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। नंबर टू, ए सॉइल हैज अ परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, मतलब कि एन ए दे रखा है 30%, तो हम सुन सकते हैं 0.30, एंड हैज अ पोरोसिटी, पोरोसिटी होती है एन, वो होती है 0.4, ठीक है। द एयर कंटेंट होता है ए सी, वो पूछा है, तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन देखा था जो 2004 में आया हुआ था, उसको भी ऐसे ही था, पर आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं ना, कि मैंने बताया क्या होता है, जैसे कि जो परसेंटेज एयर वॉइड होता है वो होता है ईटा इंटू एयर कंटेंट, ठीक है, ईटा इंटू एयर कंटेंट। तो ये दिया हुआ है आपको 0.30, ठीक है, अपॉन ये दिया हुआ 0.40, तो आपको से पूछा एयर कंटेंट, तो इसको इसका जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा 0.75। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। आप समझ चुके हैं कि जो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड का सिंबल क्या होता है, क्या होता है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है। जो ए कंटेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कंटेंट की बात करें तो वॉइड्स की बात करेगा हमेशा, ठीक है, और जब परसेंटेज की बात आए तो टोटल वॉल्यूम लेना है हमेशा, तो आप ये लर्न कर सकते हैं। ओके,
मेथड द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड अ फ्लो इंडेक्स ऑफ सोइल। तो अभी पहले भी जो 2004 में क्वेश्चन आया था वो भी ऐसा आया था, पर थोड़ा चेंज कर गया है। तो हम उसको बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। आपको पता है टफनेस जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP अपॉन IF। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स। ये लिक्विड इंडेक्स नहीं है, ये मैंने गलती से दो बार लिख दिया है। यहां पे लिक्विड लिमिट है, ठीक है, लिक्विडिटी लिमिट है यहाँ पे। तो ये दो बार लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं। ये प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट है। ओके, सो एक होता है प्लास्टिक चार्ट होता है क्लासिफिकेशन सॉल्व करने के लिए हम प्लास्टिक चार्ट यूज करते हैं, और वो कुछ ऐसा होता है। यदि ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे जो होती है वो होती है लिक्विड लिमिट, यहाँ पे होता है IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ए लाइन, क्योंकि ये उसने दिया था कासग्रैंडे, उसका नाम जो पूरा नाम था वो ए कासग्रैंडे था, तो उसको ए लाइन बोलते हैं। तो ए लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है IP, उसे IP बोलते हैं। IP निकलता है इससे, IP होता है 0.73 WL -20। ओके, ओके, आप देख सकते हैं यदि आप लिक्विड लिमिट के वैल्यू जीरो रखेंगे तो IP उस पहले पॉइंट पर जीरो जाना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो जाएगा IP। तो ये जो है ये पॉइंट है 20, और ये यहाँ पे है 35, और ये 50, ठीक है। तो आप यहाँ पे IP लिखा हुआ है, यहाँ पे WL लिखा हुआ है, तो ये क्लासेस में सो जाता है कि यदि इससे ऊपर है तो क्लियर होगा, इससे ऊपर है, इससे नीचे है तो सील्ड होगा। फिर वो डिपेंड करता है कि हाई कंप्रेसिबल है लो कंप्रेसिबल है। तो अभी आप समझ लीजिए प्लास्टिक चार्ट है वो किस किस का रिलेशन बिटवीन है, प्लास्टिक इंडेक्स एंड द लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो आप देखो बहुत ही कंफ्यूजन दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, लिक्विडिटी लिमिट दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट। ओके, 5 ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल इज रिपोर्टेड एज। देखो जो ग्रुप इंडेक्स है वो यूज किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द, हम देखते हैं कि सोइल की जो है वो स्ट्रेंथ कैसी है। यदि ग्रुप इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक है, जो सबग्रेड होता है सोइल के अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको देखने के लिए हम ग्रुप इंडेक्स को यूज करते हैं। तो एक ग्रुप इंडेक्स का बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है, मैं देता हूँ ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि बहुत ही एक इम्पेरिकल फॉर्मूला है। आपको जो डिवाइस करना है वो मैं बताता हूँ अभी। देखो ये होता है 0.2A प्लस के 0.05AC, ओके, प्लस के 0.01BD। तो ये कुछ बी और डी और AC, ये AC है यहाँ पे, ठीक है, और A ये कांस्टेंट होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि सीव जो है उस पर डिपेंड करते हैं कितना पार्टिकल पास हुआ, ओके, एंड द लिक्विड लिमिट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बताऊँ कि जो ग्रुप इंडेक्स होता है वो सबग्रेड जो होता है, जैसे हम कोई हाईवे बना रहे हैं तो हाईवे पे जो सबग्रेड होगा उसकी स्ट्रेंथ के बताएंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको ग्रुप इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। उससे बताए उससे हम एक आस्तो क्लासिफिकेशन होता है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, वो सोइल को 8A1 से लेके A8 तक डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है A1 की, और सबसे जो पुअर स्ट्रेंथ होती है वो A8 की होती है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि यदि ग्रुप इंडेक्स बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ग्रुप इंडेक्स आ रहा है, उसका मतलब ये है कि हमारी सोइल है वो वीक है, और जितना ग्रुप इंडेक्स छोटा होगा, ठीक है, तो इससे एक रिलेशन निकल के आता है कि जो ग्रुप इंडेक्स जितना बड़ा होगा, यदि ग्रुप इंडेक्स हाई है तो जो सोइल है वो बेकार सोइल है, ठीक है। यदि उसका वाइस वर्सा है, फिर उल्टा है, यदि ग्रुप इंडेक्स कम होगा तो सोइल होगी अच्छी सोइल होगी, ठीक है। यदि ग्रुप इंडेक्स इसकी जो ग्रुप इंडेक्स होता है उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 0 to 20, ओके। और यदि ग्रुप इंडेक्स नेगेटिव आएगी तो हम 0 लेंगे हमेशा, ये हमेशा रिमेंबर रखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स सोइल इज रिपोर्टेड एज 0, ठीक है। तो उसका मतलब नहीं है कि मतलब ग्रुप इंडेक्स नेगेटिव है तो क्या मतलब है इस चीज का, कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे ऐसे 0 लेंगे, क्योंकि ग्रुप इंडेक्स सोइल बहुत अच्छी है। यदि ग्रुप इंडेक्स 20 आएगी तो बताएंगे सोइल है वो बहुत ही वीक है,
ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ये नेगेटिव वैल्यू ग्रुप इंडेक्स ऑफ सोल इज रिपोर्टेड एज जीरो. अगर जी नेगेटिव है तो जीरो रहेगा. नंबर सिक्स ए सोल विद प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू जीरो. जो प्लास्टिक इंडेक्स है उसको नोट करते हैं आईपी से. आईपी है वो जीरो दे रखा है. मे बी कॉल्ड नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक और हाई प्लास्टिक. तो मैंने आपको पूरी टेबल दी थी कि आईपी और कंसिस्टेंसी बीच में. तो यदि आईपी वैल्यू जीरो है तो हम उसको बोलते हैं नॉन प्लास्टिक. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अब आपको एक चीज देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं. तो एसएससी की खासियत है उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं. तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए क्वेश्चन के और उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके जितने भी उसके टाइप के आएंगे. ठीक है तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका जो आंसर है वो ए है नॉन प्लास्टिक. ओके नंबर सेवन द मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस रिस्पेक्टिवली. तो जो मैं देखते हैं कि हाइड्रोमीटर होता क्या है. हाइड्रोमीटर जो होता है ना वो जो भी फाइन है, फाइन सोइल है. एक होता है कोर्स ग्रेन सोइल, ठीक है. एक होता है फाइन ग्रेन सोइल. तो ये डिपेंड करता है कि सोल का जो साइज है वो क्या है. यदि सोल का साइज 2 माइक्रोन छोटा है या फिर हम कह सकते हैं कि जो 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोन, फिर कहते हैं लेस देन 75 माइक्रोन, फिर हम कहते हैं 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, फिर हम कहते हैं लेस देन 2 माइक्रोन. तो इसके बाद जो होता है ये जो होता है 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन ये होता है सिल्ट. और जो लेस देन 2 माइक्रोन होता है वो होता है क्ले, जो क्ले सॉइल है. तो इनको हम बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल. तो इनके जो इनका जो एनालिसिस होता है वो होता है हाइड्रोमीटर से होता है. क्योंकि हम सीव से तो कर नहीं सकते क्योंकि इतना छोटा सीव नहीं बनाएंगे. जिनका जिनके मैस बनाएंगे तो उनमें साइज से रखेंगे फिर सोइल जो होगा सी होगा. तो इनका जो वो करते हैं वो हम कहते हैं हाइड्रोमीटर. और दूसरा होता है पिपेट मेथड. ये दोनों मैं बताऊंगा आपको. और ये हाइड्रोमीटर जो एनालिसिस होती है इसमें एक होता है मेनिस्कस करेक्शन. क्या होता है कि हाइड्रोमीटर ऐसा होता है इसको वाटर कैन में डाला जाता है. यहाँ पे इसका एक बल्फ होता है, ठीक है. तो जितना यहाँ पे जो इसकी रीडिंग होती है जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी रीडिंग कम आएगी. क्योंकि जो डेंसिटी है वो पहले ज्यादा होती है फिर जितना जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है. तो जब हम मेनिस्कस की बात करते हैं तो जो सरफेस टेंशन की वजह से जो ऐसे मेनिस्कस करेक्शन मेनिस्कस ऐसे हो जाता है. तो हम रीडिंग यहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है. अब मैं आपको ढंग से दिखाते हैं. हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है. और जो हाइड्रोमीटर होता है इसका ये इसको हम बोलते हैं सब बल्ब ऑफ हाइड्रोमीटर, ठीक है. और इसको इसके हम देखते हैं कि जो फाइन ग्रेन सोइल है उसका साइज देखते हैं, उससे हम बनाते हैं कि कितना साइज है उसका. तो क्या होता है जैसे मेनिस्कस होता है जैसे कि जैसे हमने हाइड्रोमीटर को वाटर ग्रेन डाला तो एक लेयर बन जाती है. ये जो लेयर है ग्रीन कलर में दिखा रहा है कि लेयर बन जाती है. तो जैसे हमें रीडिंग यहाँ पे चाहिए, हमें रीडिंग चाहिए 2 पे, लेकिन जो हमें रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 1 पे. तो जो हम लेकिन जो ऐसे ऊपर चलते हैं तो रीडिंग क्या होती है, रीडिंग कम हो जाती है. तो हमें रीडिंग कम मिल रही है, ठीक है. हमें रीडिंग ज्यादा चाहिए तो हमें जो करेक्शन लगाना पड़ेगा पोस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि हमें रीडिंग ज्यादा चाहिए तो मैथ क्वेश्चन है पॉजिटिव. और एक होता है डिस्पर्सिंग एजेंट. देखिए जो डिस्पर्सिंग एजेंट होता है जैसे उसकी वजह से क्या होता है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है लिक्विड की वो बढ़ जाती है डिस्पर्सिंग एजेंट से, ठीक है. और जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो जो हाइड्रोमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो बड़ी आएगी, ठीक है. तो हम उसे हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग है उसको कम करना पड़ेगा. तो हमें जो करेक्शन लगाना पड़ेगा डिस्पर्सिंग एजेंट के लिए वो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है. एक करेक्शन और होता है वो होता है टेम्परेचर करेक्शन. टेम्परेचर करेक्शन वो डिपेंड करता है कि तुम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरा सिस्टम बना रहे हो. यदि आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड होता है जो कैलिब्रेशन यूज करते हैं, ठीक है. यदि आप उससे बड़े टेम्परेचर पे बना रहे हैं तो हमें जो करेक्शन लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव है. ज्यादा यूज कर रहे हैं टेम्परेचर से या कम यूज कर रहे हैं. तो ये दोनों हो सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो इसका भी ध्यान रखना आपको कि तो तीन तीन करेक्शन होते हैं मेनिस्कस करेक्शन, डिस्पर्सिंग करेक्शन एंड द टेम्परेचर करेक्शन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके सो गाइज ये हमारी वेबसाइट है www.alexam.in और इस पे आप करंट अफेयर्स आंसर कीज होती है. आंसर की जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के आप उनके आंसर की दे सकते हैं. हमारी जो खासियत वो ये है कि न्यूज़पेपर्स आपको मिल जाएंगे जो पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे विदाउट कॉस्ट के. द हिंदू है जैसे दैनिक जागरण एंड द इंडियन एक्सप्रेस. अभी हम एक ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं फॉर एसएससी सिविल के लिए. वो अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी. आप उसको लीजिए
और आप अपने अपना जो जितना भी आपने पढ़ाया उसको एनालाइज कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, और डोंट बी पैनिक कि हम वीडियो नहीं डालेंगे, डालते हैं। वो आप कमेंट कर रहे थे हमारी वीडियो वीडियोस पे कि वीडियो कम डाली है। जब एग्जाम SSJEE का होगा उससे पहले हम सारी वीडियोस डाल देंगे इसकी यूट्यूब पे सारी वीडियो अपलोड कर देंगे। सो डोंट बी पैनिक अबाउट इट कि कोर्स पूरा होगा नहीं होगा। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। और अभी हम थोड़े बिजी थे, अब हम सब वीडियो आपको अपलोड करके दे देंगे टाइम टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।